नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्वेंट शिक्षा पर। और आज फिर हम अगले सवाल के साथ उपस्थित हुए हैं। सवाल दिया गया है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कितनी दी गई है। 3 सेंटीमीटर लंबी कोई एक वस्तु दी गई है जो 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई लंबवत रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकृति ज्ञात की। तो आपका जो है R बराबर दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो R बराबर होता है आपका, F बराबर होता है R बाई 2 होता है। तो R कितना दिया है, 8 दिया है। दो एक कम दो चौके आठ। तो F बराबर कितना निकल आया, माइनस का 4 निकल आया। 4 आया माइनस का, क्यों आया, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के ऋणात्मक बिंदु की तरफ होती है, इसलिए तुम्हारा क्या है, माइनस 4 आएगा। अब जो है यू निकालना है और वी निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सूत्र आपका दिया है 1/f = 1/u + 1/v दिया गया है। ठीक है, तो 1/v = 1/f - 1/u हो गई। ठीक भैया, तो 1/v = f कितना दिया भैया तुम्हारा, माइनस 4 दिया है। ठीक है, u कितना दिया है, u तुम्हारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा u दिया गया है, तो u हो गया माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/v = हो गई 1/-4 और माइनस माइनस प्लस 1/12। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया भैया, तो हो जी 1/v = एलसीएम निकली हो तो कितना है जी, 12 है जी। तो 4 × 3 = 12 यानी माइनस के 3 प्लस 12 × 12, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 − 1/12 हो जी। तो 3 से 1 गई 2 बची, तो 2/12, 2 × 2 = 2, 2 × 12। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, 6 आ गए, दर्पण की तरफ है तो माइनस के 6 आ गए, तो V बराबर होगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और पूछ क्या रहा है, अब तुम्हारा पूछ रहा है कि आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दर्पण का आकार बनेगा वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर दूरी बन गया, यानी दर्पण के सामने, ये दर्पण है तो इस दर्पण के, ये तुम्हारा हो गया ध्रुव, तो दर्पण के सामने तो जो भी बना है तुम्हारा वो कितना बना है, 6 सेंटीमीटर बना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है, लंबाई यानी लंबवत कितना दी गया है। तो लंबवत का जो सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, तो रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर होता है -v/u = h2/h1 के। ठीक है दोस्तों, तो v हमारे भैया कितना दिया गया है, माइनस का 6 दिया गया भैया, कितना दिया गया है माइनस का 6, तो ये हो जाए माइनस के 6/-12 बराबर h2 हमारा दिया नहीं है, h1 कितनी लंबाई पर दिया था, 2 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 × 6 = 12, तो 1/2 = h2/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हार हो जाएगी 2 × 2, यानी तुम्हारा टोटल जो मान हो जाएगा वो होगा h2 = 3/3 तो ये हो जाएगी 3/2 यानी -3/2 हो जाए। और तुम्हारा क्या कह रहा था, कितने लंबवत यानी उसका आधा बनेगा, तो ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा दर्पण के सामने 0.6 सेंटीमीटर बनेगा और कितनी दूरी पर, 1.5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, और जो ये होता है वो दर्पण के इस तरफ जो माइनस पॉइंट होता है और दर्पण के इस तरफ क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है,
तो जो तुम्हारा दूरी बन रही है वो ऋणात्मक की तरफ बन रही, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या हो भैया, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकृति ज्ञात कीजिए। सेम पांचवी के तरीके सवाल लगाना है, लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल यू बराबर दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ बराबर हमें निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जी, आर बाई टू यानी 60/2। तो एफ बराबर कितना निकलिए हमारे, 30 सेंटीमीटर निकलिए। ठीक भैया, और U बराबर कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर माइनस का दिया है, और लंबाई उसकी H1 कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो सूत्र भाई रखा है, तो सूत्र बराबर का हो जाए, सवाल नंबर तुम्हारा ये दिया गया है, सवाल नंबर है 6 नंबर है सवाल का, तो सूत्र तुम्हारा का हो जाए, सूत्र हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U हुई। तो 1/V बराबर माइनस 1/F माइनस 1/U, मान रख दो सबके भैया, तो 1/ माइनस के 30, ठीक है, माइनस 30 और फिर माइनस 1/ माइनस के 45। तो 1/B 45 और 30 का जब एलसीएम निकली हो तो हमारा टोटल मान जब सॉल्व करी हो तो हो जाए 90। ठीक है, तो 3 * 9 यानी माइनस 3 और माइनस 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 का यहाँ हो जाए प्लस का 2, 3 में से 2 जाए यहाँ बची तुम्हारे 1/90 यानी V बराबर कितना आएगी, माइनस का 90 सेंटीमीटर तुम्हारी यू आएगी। फिर आगे भैया रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो m बराबर होता है V/- V/U बराबर H2/H1 होता है। ठीक, तो H2 हमें निकाल रखे हैं, तो H2 बराबर हो जाए U प्लस में हो जाए, ठीक है, और जो हो प्लस में हो जाए तुम्हारा V/U गुड़े H2 सॉरी H1। तो H2 बराबर माइनस माइनस 90/ माइनस के 45, माइनस माइनस कैंसिल गुड़े 4, 45 * 45, 45 * 90। तो H2 बराबर कितना आएगा, मार होगा यहाँ प्लस का हो जाए 2 * 4 यानी 8 सेंटीमीटर तुम्हार H2 निकल गया। ठीक है, और पूछ का रहा है कि कैसा बनेगा, तो जो है माइनस में है तो दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, ऋणात्मक है तो लंबा, ठीक है ना, यानी ये जो ध्रुव बना है आपका ये ध्रुव जाएगा, ये लेंस हो गया यहाँ पे, ये यह हो गया ध्रुव, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या है, उल्टा बनेगा, ऐसे इस तरीके से उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो क्या होगा, लंबा होगा उल्टा होगा, और इस तरफ माइनस होता है इस तरफ प्लस का होता है, तो ये इसकी जो हाइट आई है H2 बराबर, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।